उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश ने क्षेत्रों को घुटनों पर ला दिया, जिससे पिछले 3 दिनों में कम से कम 19 लोगों की जान जाने की खबर है, लेकिन अब तक आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। शहरों और कस्बों में कई सड़कें और इमारतें घुटनों तक पानी में डूब रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में और अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। अराजकता की भव्य तस्वीरें, कागज के नाव की तरह तैरते वाहन, रिहायशी इलाकों में घुसते गंदे पानी, उफानते नदियों के किनारे जलमग्न संरचनाएं और जमीन धंसने की घटनाएं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के लोगों द्वारा ऑनलाइन साझा किए गए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से मकानों संरचनाओं को नुकसान पहुंचा और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मनाली, कुल्लू, किन्नूर और चंबा में अचानक आई बाढ़ में दुकानें और वाहन भी बह गए, क्योंकि रवि, ब्यास, सतुला, सावन और चिनाब सहित सभी प्रमुख नदियां उफान पर है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी भूस्खलन और अचानक बाढ़ की खबरें आई, जहां नदियों और नालों में जल स्तर खतरे के निशान को पार करने की खबरें हैं।